में भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की हिफाजत में तैनात सेना के जवानों की कलाई सुनी ना रहे, इसके लिए बहनें राखी लेकर देश के वीर सपूतों के पास पहुंची और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो भले ही अपने अपने घरों से दूर हो, लेकिन उन्हें त्यौहार के दिन बहनों की कमी कभी नहीं खलेगी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात मेंढर के मनकोट सेक्टर से लेकर अगरतला और गुरुग्राम तक में महिलाओं और बच्चों ने सेना के वीर जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। सरहद की हिफाजत करने वाले वीर जवानों के साथ देश के कई इलाकों में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के जाबाज भाइयों की कलाई सुनी न रही, इसके लिए बहनें राखी लेकर खुद उनके पास पहुंच रही हैं। तस्वीरें मेंढर के मनकोट सेक्टर की हैं, जहां भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया। गांव की बेटियों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की। आज हम यहाँ पे फौजी भाइयों को राखी बांधने आए हैं, ताकि फौजी भाइयों को अपने परिवार की और अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। सेना के जवानों और अधिकारियों ने बहनों के इस प्यार और स्नेह के लिए उनका दिल से आभार जताया और कहा कि वो घर से भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उन्हें जो प्यार मिला उसने उन्हें घर से दूरी का एहसास होने ही नहीं दिया और अपनी सगी बहनों की कमी पूरी कर दी। जो हमारी बहनें आई हैं निधि गांव से, हमारे को घर की याद महसूस नहीं हुई। लगभग हर त्यौहार को हम घर पे नहीं मना सकते, लेकिन आज जो हमारे गांव नज़दीक गांव से बहनें आई हैं तो हमने राखी बंधवाई, इसे हमें ऐसे घर की बिल्कुल भी याद नहीं आई। सेना के जवानों ने बहनों की रक्षा के लिए वचन दिया और भरोसा दिलाया कि जब तक सेना है तब तक दुश्मन देश की दहलीज नहीं लांग सकता। हमारी बहनें हमारे भाई निश्चिंत होकर अपने जहां वो हैं अपने त्यौहार को मनाएं, खुशियां खूब मनाएं और अच्छे से सेलिब्रेट करें। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और किसी तरह का कोई भी गलत आदमी को हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। भाई बहन के अनमोल रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार महज रेशम की डोरी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि भाई बहन के प्यार का वो प्रतीक है जिसे तमाम रिश्तों में सर्वोच्च स्थान मिला है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी सेना के जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए छोटी बच्चियां भी पहुंची। बच्चियों ने पहले जवानों के माथे पर तिलक लगाया और फिर राखी बांधी। आज मैं अपने वीर जवानों को राखी बांधने आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जो बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, उनको राखी बांध के मेरे को बहुत अच्छा लगा। जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद बच्चों ने जब देशभक्ति से सराबोर कविता का पाठ किया तो पूरा पंडाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। वहां मौजूद हर किसी की जुबान से भारत माता की जय का नारा गूंज उठा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी महिलाओं और युवतियों ने सरहद की हिफाजत में तैनात देश के रणबांकुरों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई, उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। हमारी यही प्रचेष्टा रहेगी कि हम उनके लिए थोड़ी खुशियाँ थोड़ी मुस्कुराहट लाए और आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। यूपी के सहारनपुर में भारतीय सेना के हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर रिमाउंट डिपो में भी सेना के जवानों को राखी बांधी गई। राखी बांधने वाली महिलाओं ने राखी के बंधन के बदले भारतीय सेना के जवानों से राष्ट्र सुरक्षा और भारत माता की अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। टीम न्यूज़देशन। और उधर भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन पर अब बात प्रेम की अनूठी मिसाल की। यूपी के बदायूं में दो बड़ी बहनों ने लीवर डोनेट कर अपने छोटे भाई की जान बचा ली। दावा किया जा रहा है कि किसी बच्चे में देश का ये पहला ऐसा लीवर ट्रांसप्लांट है जिसमें दो लोगों ने अंगदान किया। 14 साल की अक्षत के लिए इस बार का रक्षाबंधन कई मायनों में बेहद खास है। अक्षत को नई जिंदगी मिली है और ये सब मुमकिन हो पाया है उनकी दो बड़ी बहनों नेहा और प्रेरणा की वजह से।
अक्षत का हाल में सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। उनका लीवर काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते उनकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। ऐसे में डॉक्टरों ने तुरंत अक्षत का लीवर ट्रांसप्लांट करने का फैसला लिया। छोटे भाई की जिंदगी बचाने की खातिर अक्षत की दोनों बड़ी बहनें आगे आईं और उन्हें अपना लीवर डोनेट करने का फैसला लिया। जॉइंटिस का तो डाउट पहले से था, लेकिन लीवर सिरोसिस मुझे दिल्ली में जाके हमें कंफर्म हुआ कि लीवर सिरोसिस है। देन वी टुक डिसीजन ऑफ लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो पूरा फैमिली से डिस्कशन हुआ और लीवर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल गए और वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा भाई हमारे साथ है। और ये रक्षाबंधन नहीं, हर रक्षाबंधन स्पेशल होता है, लेकिन ये रक्षाबंधन बहुत क्रिटिकल स्टेज के बाद आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई ठीक है और मैं दुआ करती हूँ कि वो आगे भी ठीक रहे। अक्षत का पिछले महीने मेदांता अस्पताल में सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। अक्षत अब पूरी तरह स्वस्थ है और साथ ही बहनों के इस जज्बे से बेहद खुश भी हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपनी बहनों की वजह से, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है, उन दोनों बहनों ने इससे बड़ा गिफ्ट वो मुझे दे नहीं सकती। अक्षत की बहन इटली में रहती है। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनके छोटे भाई बीमार है और उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना है, वो इटली से फौरन देश वापस लौट आई और भाई के लिए अपना लीवर डोनेट कर दिया। मेरा भाई ठीक है, हम दोनों बहनें भी ठीक है, हम दो बहनों ने अपना लीवर डोनेट किया है। मैंने अपना लेफ्ट लोब किया है, मेरी सिस्टर ने अपना राइट लोब किया है। एंड क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, 90+ था उस टाइम पे ट्रांसप्लांटेशन के वजह से, तो उसको दो लीवर की ज़रूरत पड़ी। इज जस्ट 14 ईयर ओल्ड, बट उस टाइम पे उसको दो लीवर की ज़रूरत थी। पहले मेरी जो छोटी बहन है वही डोनेट कर रही थी, बट जब मुझे पता चला तो मैं इटली से मैंने फ़्लाइट लिया और फिर मैं इधर आई। और जब मेरे सारे टेस्ट विद इन 24 आवर्स कंडक्ट हुए एंड विद इन 48 आवर्स हम तीनों का सर्जरी हुआ। अक्षत का लीवर ट्रांसप्लांट करना डॉक्टरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उसका वजन 92 किलो था, जबकि उसकी बड़ी बहन का वजन काफी कम। इसलिए दोनों बहनों के आधे आधे लीवर को अक्षत को ट्रांसप्लांट किया गया। दावा किया जा रहा है कि किसी बच्चे में देश का ये पहला ऐसा लीवर ट्रांसप्लांट है जिसमें दो लोगों ने अंगदान किया है। अक्षत को इस बात की खुशी भी है और अपनी दोनों बहनों पर फख्र भी कि उनकी वजह से उन्हें फिर नई जिंदगी मिली है। टीम न्यूज़ नेशन।